iTunes पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। मणिपुर में शांति प्रक्रिया को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने मणिपुर के एक विद्रोही समूह JDUF के साथ गतिविधियों की समाप्ति के समझौते पर आज नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए। ये समझौता मणिपुर में शांति प्रक्रिया को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगा। इस समझौते पर केंद्रीय गृह मंत्रालय एवं मणिपुर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और JDUF के प्रतिनिधियों ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। सशस्त्र समूह के प्रतिनिधियों ने हिंसा छोड़ने और देश के कानून द्वारा स्थापित शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमति जताई। आज देश के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, ताकि COVID-19 से जुड़ी किसी भी घटना से निपटने के लिए उनकी तैयारियों की परीक्षा की जा सके। इसी क्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जाकर मॉक ड्रिल का जायजा लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वास्थ्य कर्मियों से कोविड की तैयारियों को लेकर चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आज देश भर के कई अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य यह है कि आने वाले दिनों में अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो उससे हम पूरी तरह तैयार रहें। तेलंगाना में भी अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में मॉक ड्रिल के दौरान कोरोना से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में मॉक ड्रिल के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई पर बल दिया गया। अस्पताल के मौजूदा चिकित्सा अधीक्षक राजा राव ने कहा कि अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो उस स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। आज पूरे गुजरात में विभिन्न स्थानों पर कोरोना की तैयारियों की समीक्षा की गई और मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने गांधीनगर के सिविल अस्पताल का दौरा किया, जहां ऑक्सीजन प्लांट, बिस्तर की व्यवस्था, टीकाकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की गई। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कोविड के लिए आयोजित मॉक ड्रिल की समीक्षा के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल का दौरा किया। पंचकुला में हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कोविड की तैयारियों की जांच के लिए आयोजित मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया। बाद में उन्होंने कहा कि हमने सारी तैयारी कर रखी है, किसी चीज की कमी नहीं है। हमारे पास हर जिले में टेस्टिंग के लिए RT-PCR मशीन है। जम्मू और कश्मीर में कोविड प्रबंधन की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए MCH अस्पताल गांधीनगर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अस्पतालों में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जयप्रकाश और हमीदिया अस्पताल में सुबह 10 बजे मॉक ड्रिल शुरू हुआ, जिसमें परिसर में स्थित ऑक्सीजन प्लांट से लेकर ऑक्सीजन की सप्लाई, वेंटिलेटर, आइसोलेशन वार्ड, आइसोलेशन बेड, जरूरी दवाइयां और सभी तरह की व्यवस्थाओं का परीक्षण और प्रबंधन किया गया। बिहार के सबसे बड़े और COVID-19 के एक्सीलेंस सेंटर एम्स पटना में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। डॉक्टरों की पूरी टीम ने व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालन की मुहिम शुरू की। कोलकाता के अस्पतालों में आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने बेलिया घाटा, ID और BG अस्पताल में मॉक ड्रिल को आयोजित किया, जहां कोरोना महामारी से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। महाराष्ट्र में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मुंबई के JJ अस्पताल में मॉक ड्रिल के दौरान कोविड तैयारियों की समीक्षा की गई। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री MA सुब्रमण्यन ने कोविड मॉक ड्रिल की समीक्षा करने के लिए चेन्नई के राजीव गांधी सरकारी अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं और आइसोलेशन वार्ड का दौरा किया। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने दौरे में प्रशासन के साथ तैयारियों की समीक्षा भी की। COVID-19 के मामलों में बढ़ोतरी की स्थिति में अस्पतालों में बिस्तरों और चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता समेत अन्य तैयारियों का आकलन करने के लिए आज गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में मॉक ड्रिल किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य कर्मियों ने चिकित्सा तैयारियों का अभ्यास किया। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के इंट्रानेजल वैक्सीन इनकोवैक की कीमत निजी अस्पतालों के लिए ₹800 रखी गई है। इनमें GST अलग से जोड़ा जाएगा। वैक्सीन को जनवरी के चौथे सप्ताह से लिया जा सकेगा। ये कोविन पोर्टल पर उपलब्ध है। ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद ने प्रयागराज में कहा कि अभी चौथा डोज लेने की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो इसके लिए सरकार तैयार है।
जिन लोगों ने तीसरी डोज नहीं ली है उन्हें लेनी चाहिए। लोग नए कोरोना से न डरे, हमारी वैक्सीन रूस और चीन से अच्छी है, इसलिए हर्ड इम्यूनिटी बनी। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 220.06 करोड़ से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 157 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 163 लोग कोरोना के कारण स्वस्थ हुए। देश में अभी सक्रिय मामलों की दर 0.01% है, जबकि रिकवरी दर 98.8% पर पहुंच चुकी है। नए साल को लेकर कर्नाटक सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। कर्नाटक में रेस्तरां, पब, थिएटर हॉल, स्कूल और कॉलेज जैसे बंद जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। राज्य में नवरात्र का जश्न रात 1 बजे तक ही चल सकेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने वाले सलमान खुर्शीद के बयान पर श्रीराम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति भगवान राम नहीं हो सकता, न ही भरत हो सकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी मनुष्य की तुलना भगवान राम से नहीं की जा सकती। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तुलना भगवान श्रीराम से करने वाले बयान पर सलमान खुर्शीद के बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने श्रीराम भगवान से राहुल गांधी की तुलना को शर्मनाक बताया। रॉबर्ट वाड्रा को लेकर एक बार फिर से भाजपा जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पर हमलावर है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दावा किया कि 2008 से 2013 के बीच राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, जिस दौरान 125 बीघा जमीन किसानों से हड़पी गई। भाजपा ने साफ तौर पर कहा कि किसानों की जमीन रॉबर्ट वाड्रा को दी गई। भाजपा की प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए गौरव भाटिया ने कहा कि गांधी परिवार एक कट्टर पापी परिवार है। उसका काम बस एक ही है कि वो किसी तरीके से तिजोरी भरे और किसानों की जमीन हड़पे। गौरव भाटिया ने कहा कि पहले रॉबर्ट वाड्रा पर वीवीआईपी कल्चर के दुरुपयोग का दाग लगा था, आज किसानों की जमीन हड़पने का दाग लगा है और सोनिया गांधी कह रही हैं दाग अच्छे हैं। कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों पर पलटवार किया। भाजपा प्रवक्ता की भाषा पर आपत्ति व्यक्त की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में भारतीय पुलिस सेवा के 74वें RR बैच के अधिकारी प्रशिक्षुओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पुलिस और नागरिकों के बीच रिश्तों को मजबूत करने के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पुलिस और नागरिकों के बीच रिश्ते एक दिन का नहीं है, बल्कि ये प्रयास लगातार जारी रहना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि आगे आने वाली पीढ़ी को पुलिस और जनता के बीच भय के वातावरण को समाप्त करके परस्पर सहयोग और संपर्क की भावना पर काम करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तेलंगाना के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने आज हैदराबाद के केशव मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जब हम एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं तो उससे पूरा समाज शिक्षित होता है। राष्ट्रपति ने कहा कि आज़ादी के बाद पूरे देश को एकजुट करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। उनका ही प्रयास था जो रियासतों में बटे भारत को उन्होंने अखंड भारत में परिवर्तित किया। हैदराबाद का भी उन्हीं के प्रयासों के बाद भारत में विलय कराया गया। उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में सोमवार को बरामद किए गए IED को पुलिसकर्मियों ने डिफ्यूज कर दिया। कल जम्मू संभाग के जिला उधमपुर के दूरदराज के क्षेत्र बसंतगढ़ में करीब 15 किलोग्राम IED और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसके बाद राज्य में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि राज्य में इस बार निकाय चुनाव बिना OBC आरक्षण के होगा। इससे पहले हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने कहा कि चुनाव में OBC आरक्षण ट्रिपल टेस्ट के आधार पर दिया जाएगा, ट्रिपल टेस्ट के बिना कोई OBC आरक्षण नहीं हो सकता। ये निर्णय न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दाखिल 93 याचिकाओं पर एक साथ पारित करते हुए सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में सरकार को तुरंत चुनाव कराने का निर्देश दिया है। हालांकि कोर्ट ने SC और ST आरक्षण के साथ चुनाव कराने की बात कही है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब OBC आरक्षण वाली सभी सीटें सामान्य होंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में एक आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके उपरांत ही नगरीय चुनाव
सामान्य निर्वाचन द्वारा संपन्न कराए जाएंगे। कर्नाटक महाराष्ट्र जमीन को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा में दोनों राज्यों के बीच की विवादित जमीन को महाराष्ट्र में मिलाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इनमें 865 गांव आते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में ये प्रस्ताव बिना विरोध के पारित हो गया। महाराष्ट्र ने अपने प्रस्ताव में कहा कि विवादित इलाके में 865 मराठी भाषी गांव हैं और इनकी जमीन महाराष्ट्र में मिला दी जाएगी। ऐसा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो भी करने की जरूरत होगी महाराष्ट्र सरकार करेगी। इन गांवों में बेलगाम, कारावर, बिदार, निपणी, भक्की, भलकी भी शामिल है। निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 के तहत पूर्वोत्तर के राज्य के असम के परिसीमन का आदेश दिया है। कानून मंत्रालय द्वारा प्राप्त अनुरोध के बाद आयोग ने असम राज्य में परिसीमन के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आदेश दिया है कि वहां विधानसभा और संसदीय सीटों के लिए परिसीमन की प्रक्रिया शुरू की जाए। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि आज राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए डीए और डीआर में 12% की वृद्धि की गई है। अब डीए 20% होगा। ये दिसंबर 2022 से प्रभावित होगा। इससे 1,00,000 से अधिक नियमित कर्मचारी और 80,800 पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। गुजरात पुलिस और भारतीय तटरक्षकों ने 10 पाकिस्तानियों के साथ एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा। 300 करोड़ रुपए की 40 किलो हीरोइन के साथ 12 मैगजीन, 120 कारतूस भी जब्त किए गए। इन्हें गैस सिलेंडर में छुपा कर रखा गया था। नाव को ओखा बंदरगाह पर लाया जा रहा था। जांच जारी है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। दिल्ली NCR में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। घने कोहरे के कारण शहर के कुछ इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम रही, जिससे सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम वैज्ञानिक RK जेनामनी ने बताया है कि दिल्ली, UP, पंजाब और राजस्थान में शीतलहर लगातार बनी रहेगी। घना कोहरा बना हुआ है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी 0 से 200 मीटर तक है। अगले एक दिन के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी UP में तेज शीतलहर होगी। 29 दिसंबर को तापमान में सुधार की उम्मीद है। बर्फीली हवाओं से कानपुर समेत आसपास के जिलों में ठंड जारी है। शीतलहर के कारण कड़ाके की ठंड से कपकपी बढ़ गई है। शहर के कई इलाकों में घने कोहरे की स्थिति देखने को मिल रही है। घने कोहरे की वजह से दृश्यता के स्तर में काफी कमी आई है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में शीतलहर का प्रकोप बरकरार है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। ठंड और ठिठुरन के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उत्तर प्रदेश के बरेली में शीतलहर से ठिठुरन बढ़ गई है। पूरा शहर कोहरे के चादर से ढक गया है। बरेली में ठंड बढ़ने के बाद से रैन बसेरों में लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। सोमवार को लाहौल और स्पीति जिले के शिंकुला दर्रा में ताज़ा बर्फबारी हुई। इसके साथ ही ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ना शुरू हो गया। बर्फबारी शुरू होते ही लाहौल स्पीति प्रशासन ने घाटी पहुंचे पर्यटकों को मनाली की ओर रवाना करना शुरू कर दिया है। माता वैष्णो देवी दरबार में 31 दिसंबर व 1 जनवरी को होने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ से निपटने के लिए श्राइन बोर्ड ने व्यापक उपाय किए हैं। साथ ही कोरोना के संभावित प्रसार से निपटने के लिए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। और खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए DD न्यूज। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। देर ना कीजिए, यह आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2022 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2022-23 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2022। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms for sustainability and reliability, for investment and development, adding value
every day, in every way. This is what our energy is. This is REC. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशुल गर्ग ने कहा है कि श्रद्धालुओं के अपेक्षित प्रवाह के सुचारू नियमन, पूरे ट्रैक और विशेष रूप से भवन क्षेत्र में 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की तैयारी है। तीर्थयात्रियों की भीड़ से बचने के लिए बोर्ड की प्रवर्तन टीमों को 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक 4 दिनों के लिए भवन में तैनात किया जा रहा है। ICICI बैंक की पूर्व MD और CEO चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने तुरंत राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने 2 जनवरी को नियमित कोर्ट में अपील करने को कहा है। घरेलू शेयर बाजार में आज तेजी का रुख देखने को मिला। सेंसेक्स 361 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 60,927 पर बंद हुआ। निफ्टी 117 अंकों की बढ़त के साथ 18,132 पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 21 पैसे फिसल कर 82.86 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। सर्राफा बाजार में आज सोने का भाव 173 रुपए की तेजी के साथ 55,074 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी भी 926 रुपए की तेजी के साथ 70,205 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लंदन ब्रेंट क्रूड आज 0.55% उछलकर 84.38 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। वहीं अमेरिकी क्रूड 0.45% की तेजी के साथ 79.92 डॉलर प्रति बैरल हो गया। घरेलू स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। वित्त मंत्रालय की तरफ से सार्वजनिक कर्ज प्रबंधन पर जारी तिमाही रिपोर्ट के अनुसार सरकार का कुल कर्ज सितंबर के अंत में बढ़कर 147.19 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। CBIC के अनुसार सरकार के पास ई चालान की अनिवार्यता को 1 जनवरी से कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वर्तमान में 10 करोड़ रुपए या इससे अधिक के टर्नओवर वाले व्यवसायों को सभी B2B लेन देन के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जनरेट करना आवश्यक है। मदर डेयरी की ओर से दिल्ली NCR में दूध के दामों में बढ़ोतरी आज से लागू हो गई। कल कंपनी ने दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया था। पेमेंट फ्रॉड के मामलों से लड़ने के लिए RBI नई पहल करने जा रहा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्रॉड की रिपोर्टिंग के लिए RBI दक्ष नाम का पोर्टल लाने की तैयारी में है। रिलायंस जियो 5G पर तेजी से काम कर रहा है। जियो ने शाओमी इंडिया के साथ 5G को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की घोषणा की है। चीनी सरकार ने विदेशी यात्रियों को राहत दी है। चीन ने कहा है कि 8 जनवरी से विदेशी यात्रियों को क्वारंटीन में नहीं रहना होगा। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी में ढील दिए जाने के बाद लाखों लोग कोरोना के चपेट में आ गए हैं। बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी हुई है। चीनी अधिकारियों ने कहा है कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट ही आम लोगों को परेशान कर रहा है और संक्रमित कर रहा है। इनमें BA.5.2 और BF.7 सब वेरिएंट का प्रकोप सबसे ज्यादा है। चीनी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कोरोना बीमारी को मौजूदा ए श्रेणी के प्रबंधन से हटाकर कम जोखिम वाली बी श्रेणी के प्रबंधन में रखा है। चीन ने कहा है कि बीमारी सांस की सामान्य बीमारी में परिवर्तित हो रही है, इसलिए अब कोरोना से संबंधित आंकड़े महीने में एक बार ही जारी किए जाएंगे। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने मंगलवार को कहा कि जापान 30 दिसंबर से चीन से आने वाले यात्रियों के लिए अपने सीमा नियंत्रण को कड़ा कर देगा। जापान में कोरोना संक्रमण दर में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। पूरे अमेरिका में अब तक के बर्फीले सबसे घातक बर्फीले तूफान की वजह से कम 60 लोगों की मौत हो गई है। हर तरफ 3 से 4 फीट मोटी बर्फ की चादर बिछ गई है। बॉम्ब साइक्लोन में मरने वालों की तादाद 60 से अधिक है। न्यूयॉर्क का हाल काफी बुरा है। देश की लगभग 60% आबादी को ठंड के मौसम का सामना करना पड़ रहा है। तूफान को देखते हुए देश के अधिकतर हवाई अड्डों को मंगलवार तक के लिए बंद कर दिया गया। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बॉम्ब साइक्लोन की गंभीरता को देखते हुए न्यूयॉर्क में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी हर संभव मदद का भरोसा देते हुए कहा कि वे उन लोगों का दर्द महसूस करते हैं जिन्होंने अपने परिजन खोए। यूक्रेन की राजधानी कीव के वनस्पति उद्यान में पेड़ पौधों के सामने अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है। पेड़ पौधों को इन सर्दियों में बचाने के लिए जो हीटिंग सिस्टम लगे थे, बिजली आपूर्ति के कारण ठप होकर बंद है। उत्तरी कोसोवो में गोलीबारी की घटना के बाद सर्बिया ने सेना को युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार रहने का आदेश दिया है। तैयारी के तहत विशेष सशस्त्र बल कर्मियों की संख्या को 1,500 से बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है।
सर्बिया के रक्षा मंत्री मिलोस बुसोविक ने इस बात की घोषणा की है। रूस ने यूक्रेन को चेतावनी देते हुए रूसी युद्ध शांति वाले प्रस्ताव को स्वीकार करने की नसीहत दी है। ऐसा नहीं होने पर सैन्य कार्रवाई के जरिए फैसला करने की बात कही है। इन सबके बीच रूस और यूक्रेन दोनों देशों के सैनिक एक बार फिर अपने एक दूसरे पर जमकर मिसाइल और ड्रोन हमलों को अंजाम दे रहे हैं। बखमुत में रूसी ड्रोन हमले के बाद कई भवन आग की लपट में घिरे दिखाई दिए। रूस ने अपने एयरबेस की तरफ आ रहे एक यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। हाल ही के दिनों में यूक्रेन की तरफ से इसी महीने दूसरी बार एयरबेस को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुक्रवार 23 दिसंबर को हुए आत्मघाती बम विस्फोट के बाद अमेरिका ने हमले की आशंका का हवाला देते हुए अपने सरकारी कर्मचारियों को इस्लामाबाद के मैरियट होटल में जाने पर रोक लगा दी है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मेलबर्न में चल रहे दूसरे टेस्ट में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट पर 386 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाकर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया है। अपनी इस पारी के दौरान वार्नर ने टेस्ट में 8000 रन भी पूरे किए। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में 161 रन की पारी खेली। इस पारी के साथ ही बाबर एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए हैं। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद ने करीब 4 साल बाद पाकिस्तान की टेस्ट टीम में वापसी की है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली सीरीज में सरफराज ने 86 रन बनाए। आईपीएल के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने ऑस्ट्रेलिया के कैमरान ग्रीन ने कहा है कि इस अनुबंध से उनके क्रिकेट खेलने के तरीके में कोई बदलाव नहीं आएगा। उन्हें मुंबई इंडियंस ने 17 करोड़ 50 लाख रुपए में अपने साथ जोड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में वे चोटिल हो गए। सोमवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन क्षेत्र रक्षण के दौरान उन्हें चोट लगी। बीते साल शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणॉय ताजा जारी बैडमिंटन रैंकिंग में 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ये प्रणॉय के करियर का सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। एक अन्य भारतीय पुरुष खिलाड़ियों में शानदार फॉर्म में चल रहे युवा खिलाड़ी लक्ष्य सेन की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वो पहले की तरह 7वें स्थान पर बने हुए हैं। किदाम्बी श्रीकांत को रैंकिंग में एक पायदान का नुकसान हुआ है। वो 12वें स्थान पर खिसक गए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने के बाद चोटिल होने के कारण किसी टूर्नामेंट में भाग नहीं लेने पर ले सकने वाली पीवी संधू को महिला एकल रैंकिंग में नुकसान हुआ है। वो एक पायदान नीचे खिसक कर 7वें स्थान पर आ गई। पुरुष युगल रैंकिंग में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग सेन की जोड़ी को प्रदर्शन बीते साल शानदार रहा। उनकी रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है और वे 5वें स्थान पर बने हुए हैं। एनएफएल टीम डेनवेयर ब्रॉन्क्स ने हेड कोच नेथेलियन हैकेट को 1 साल में कम समय से अंदर में कोच के पद से बर्खास्त कर दिया है। ब्रॉन्क्स को इस सत्र में 15 मैचों में से 11 में हार का मुंह देखना पड़ा। केरल ब्लास्टर्स इंडियन सुपर लीग में ओडिशा एफसी को 1-0 से हरा दिया है। इस जीत के साथ टीम मौजूदा सत्र में लगातार 7वें मैच में अपराजित रही। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने शानदार जीत दर्ज की है। बॉक्सिंग डे पर खेले गए मुकाबले में लिवरपूल ने एस्टन विला को 3-1 से हरा दिया। ईपीएल में एक अन्य मुकाबले में आर्सेनल ने वेस्ट हैम को मात देकर शीर्ष स्थान पर बड़ी बढ़त बना ली है। आर्सेनल ने वेस्ट हैम को 3-1 से हराया। राजकुमार संतोषी की आगामी फिल्म गांधी गोट से एक युद्ध का मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है। इस फिल्म के निर्देशक निर्देशन की दुनिया में 9 साल बाद वापसी करने जा रहे हैं। अपनी फिल्म चकदा एक्सप्रेस पर काम कर रही चकदा एक्सप्रेस की शूटिंग पूरी होने पर अनुष्का शर्मा ने जश्न मनाया है। ये फिल्म महिला भारतीय क्रिकेटर झूलन गोस्वामी पर आधारित है, जिसमें अनुष्का शर्मा झूलन के किरदार में नजर आएंगी। जेम्स कैरून की फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर ने अब तक लगभग 265 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। फिल्म 300 करोड़ के क्लब में शामिल होने की ओर आगे बढ़ रही है। अजय देवगन की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म दृश्यम 2 ने अब तक लगभग 228 करोड़ रुपए की कमाई की है। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक अपने 39वें दिन फिल्म ने 75 लाख रुपए की कमाई की। केजीएफ चैप्टर 2 की सफलता के बाद साउथ सुपरस्टार यश ने कहा कि वह अपनी अगली फिल्म को कम बजट वाली फिल्म रखना चाहेंगे। अभिनेता सलमान खान ने अपना 57वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है। इस मौके पर उन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री खास अंदाज में उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए उनके पास पहुंची।
इस मौके पर उनका एक पुराना खत वायरल हो रहा है, जिसमें वो फैंस का आभार जता रहे हैं। मुंबई के मार्चुरी के एक कर्मचारी ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मौत के संबंध में कहा कि जब मैंने सुशांत सिंह राजपूत का शव देखा तो आत्महत्या का मामला नहीं लगा, उनके शरीर पर चोट के निशान थे। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता ने सुशांत सिंह केस में एक नया खुलासा करने वाले कपूर हॉस्पिटल के कूपर हॉस्पिटल के मोर्चरी विभाग के कर्मचारी रूप कुमार की सुरक्षा की मांग की है। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया, परिवार और साथियों ने नमाखों से अंतिम विदाई दी। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD News। नमस्कार।